हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज मैं पल्सर का हेडलाइट के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। पल्सर के हेडलाइट के ऊपर यह है न्यू मॉडल का हेडलाइट। पहले बॉक्स दिखा देता हूँ आपको बाहर से। बजाज जेन्युइन है, ये लोकल नहीं है। और उसका प्राइस मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको। ये BS6 और BS4 का हेडलाइट है ये, जो न्यू मॉडल अभी आया हुआ है। नियॉन एडिशन, ट्विन डिस्क, ये सब मॉडल में सेम ही हेडलाइट लगता है। वैसे पल्सर के तो हर मॉडल में सेम लगता है, पर उसका रिफ्लेक्टर में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले आपको बॉक्स दिखा देता हूँ चारों तरफ से। बजाज जेन्युइन और ये कांच का, इसलिए ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। कैमरे में एंगल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने काफ़ी ऊपर किया हुआ है ट्राइपॉड, तभी भी नहीं आ रहा है। इसके अंदर हेडलाइट, पहले हेडलाइट निकाल लेता हूँ। बॉक्स को रखता हूँ साइड में। बहुत बढ़िया पैकेजिंग थी इसकी। और ये अभी बबल रैप से मैंने हेडलाइट निकाल लिया है, उसका अभी दिखा देता हूँ। इसको निकाल लेता हूँ पहले बाहर में। ये बजाज जेन्युइन हेडलाइट है, वो भी दिखाने वाला हूँ कैसे पहचाने बजाज जेन्युइन। इसको रखता हूँ साइड में। ये हेडलाइट, ये पल्सर न्यू मॉडल का हेडलाइट है, जो BS6 और BS4 में जो नियॉन एडिशन आ रहा है उसका हेडलाइट है। वैसे पल्सर के सभी मॉडल में लग जाएगा, सेम ही होता है, पर रिफ्लेक्टर में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्टर का डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में। अपनी ओल्ड वाली पल्सर का हेडलाइट निकाल के, उसमें मेरे हेडलाइट में ये घिस गया है और इधर से एक छेद हो गया है अंदर से, यहाँ से, तो वहाँ से वो लीक करता है। तो उसका वीडियो भी आ जाएगा, असेंबली कैसे करते हैं चेंज, उसका भी वीडियो आ जाएगा। ये पल्सर 150 हेडलाइट, जेन्युइन हेडलाइट है, आपको दिखा देता हूँ। और इसमें आपको ये ब्लैक कलर का जो ये मास्क लगा हुआ है, ये नहीं मिलता है इसमें, डायरेक्ट हेडलाइट ही मिलेगी। ये मैंने अलग से फिट किया है, अलग से उसका पार्ट नंबर भी दिखा दूंगा आपको। अगर आपके बाइक में टूट गया होगा तो आप चेंज कर सकते हो पार्ट नंबर से। ऐसे हेडलाइट, इसमें डस्ट कैप भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इसमें। ना ही बल्ब आता है, ना ही डस्ट कैप आता है, ना ही मेन बल्ब आता है या पार्किंग लाइट, कुछ भी नहीं आता है इसमें। बस ये जो ये क्लिप होती है आती है बस इसमें, बाकी पूरा ओल्ड वाला ही अपने को उसमें असेंबल करना पड़ेगा। वैसे आपको चाहिए तो ये दो बल्ब और इसका डस्ट कैप के साथ ही उसका होल्डर आता है, वो अगर चाहिए तो 120 रुपीज़ के कुछ आसपास आता है। उसमें वायरिंग सब आ जाएगा, उसमें एक होल्डर आएगा, डायरेक्ट उसमें प्लग हो जाएगा। ये ऐसा है हेडलाइट, सेम न्यू मॉडल का ही है, सेम ओल्ड मॉडल जैसा ही है। अब ओल्ड मॉडल में अगर लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं, पर है ये एक्चुअल में न्यू मॉडल का। आपको बता देता हूँ न्यू मॉडल का कैसा है। पहले इसका ये सामने का प्रोटेक्शन फिल्म हटा देता हूँ। इसमें जो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और जो ओल्ड मॉडल में, वो अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। आपके पास अगर 2010 या 12 मॉडल होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। इसका रिफ्लेक्टर थोड़ा अलग डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ से इधर 3 स्ट्रिप होती है रिफ्लेक्टर के लिए। वैसे लग सभी मॉडल में जाएगा, पर ये न्यू मॉडल का है। इसका एक और दिखा देता हूँ, एक मिनट इसको लगा लेता हूँ ताकि स्क्रैच ना पड़े। और ये इसीलिए दिया हुआ रहता है ताकि स्क्रैच ना पड़े। और इसका जो क्लिप है, इसका जो ये होल्डर है जहाँ पे H4 लगता है बल्ब, ये थोड़ा राइट साइड में इधर है, ये थोड़ा और राइट में टिल्ट हुआ हुआ है। इसमें तो हल्का सा राइट है, उसमें टोटल राइट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ है। और आपको ये मास्क अलग से लेना पड़ेगा, ये मास्क जो दिया हुआ है, मास्क और स्क्रू। ये मैंने स्क्रू भी उसी शॉप से परचेज़ किया हुआ है, बजाज जेन्युइन। और मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ तो मैं स्पेयर पार्ट सेल नहीं करता हूँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं स्पेयर पार्ट सेल नहीं करता हूँ। और ये भी बजाज जेन्युइन है, इसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे बॉक्स में आएगा, बहुत बड़ा बॉक्स है, अच्छे पैकेजिंग अच्छी है, मतलब कुछ डैमेज ना हो। इसका ही पार्ट नंबर दिखा देता हूँ आपको, DJ18-11-20। क्लोज़र से दिखा देता हूँ आपको, DJ18-11-20। और इसका प्राइस है 97 रुपीज़। हेडलैम्प मास्क, मतलब यू शेप में है ना वो मास्क, इसलिए यू दिया हुआ है। और ये अभी लेटेस्ट पैकिंग है, 7/1/2021, 97 रुपीज़ इसके MRP। इसको रखते साइड में। ये मैंने पहले ही फिट कर दिया, और स्क्रू कुछ 8 रुपीज़ के थे, 2 रुपीज़ का एक था स्क्रू, ये मैंने इसमें फिट कर दिया है। ये ऐसा कुछ हेडलाइट है। और ये न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल सब में लग जाएगा, पर है ये न्यू मॉडल का, मतलब जो पार्ट नंबर है ना वो न्यू मॉडल का है। और आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये बजाज जेन्युइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजाज। और इसमें जो हेडलाइट पार्ट नंबर दिया है वो ओल्ड मॉडल में सेम ही मिलेगा आपको। एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है, आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ।
फ्लैश लाइट से तो और भी नहीं दिख रहा है इसमें, एक मिनट में तो भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये रिफ्लेक्टर अभी एकदम लाइट ये है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका पार्ट नंबर मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ, DJ201132 है इसका पार्ट नंबर। ये तो ओल्ड मॉडल में भी सेम ही पार्ट नंबर है, मेरे ओल्ड मॉडल जो पल्सर है उसमें भी सेम ही पार्ट नंबर है, DJ201132। पर इसका रिफ्लेक्टर थोड़ा अलग डिज़ाइन किया हुआ है, और ये रिंडर कंपनी का है, आपको दिखा देता हूँ। फोकस हो जा भाई, बट फोकस नहीं हो रहा है। हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिंडर, रिंडर कंपनी का हेडलाइट है ये, मैं वापस लगा देता हूँ इसमें ये। और इसका बॉक्स दिखा देता हूँ और इसका पार्ट नंबर भी दिखा देता हूँ आपको। ओल्ड वाली हेडलाइट लोगे तो उसमें आपको ये भी मास्क भी मिलता है और इसका होल्डर भी मिलता है, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको रखता हूँ अभी साइड में, इसका बॉक्स दिखा देता हूँ, उसका पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, मिनट में निकाल लेता हूँ पहले बॉक्स। ये इसका बॉक्स, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग है इसकी। यह है YDH19001, यहाँ पे लिखा हुआ है YDH19001। ये BS6 में भी यही सेम पार्ट नंबर है, और सिर्फ इसमें हेडलाइट ही मिलता है, आपको मास्क अलग से परचेस करना पड़ता है। और मैं पहले बात की क्लियर कर दूं कि मैं स्पेयर पार्ट सेल नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपकी हेडलाइट कभी ब्रेक हो गई तो आपको ये पार्ट नंबर से आप परचेस कर सकते हैं। 1322 इसकी प्राइस है, 1322 रुपये, बहुत ज़्यादा प्राइस है इसकी। और पहले कुछ 1100 का मिलता था, ओल्ड मॉडल का था, पर ये न्यू मॉडल में आपको अगर रिफ्लेक्टर प्रॉपर लाइट आना चाहिए तो उसका ये LED भी लगाने में इसमें परफेक्ट काम करता है, उसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। हेडलाइट असेंबली 6 मंथ 2021 की पैकेजिंग है ये, 1322 रुपये, अभी भी सेम ही प्राइस है 1322 रुपये, देख सकते हैं। या आप पार्ट नंबर से आप हेडलाइट परचेस कर सकते हैं YDH19001, उसके अंदर ये पार्ट नंबर इसका हो गया, और हेडलाइट का पार्ट नंबर मैं आपको बता ही दिया है, DJ201132, ये न्यू मॉडल हेडलाइट का है। और पार्ट नंबर ये ओल्ड मॉडल में भी सेम ही पार्ट नंबर है हेडलाइट का, पर इसका रिफ्लेक्टर मैं आपको सीधा है एकदम, जब मैं LED हेडलाइट इसमें इंस्टॉल करूँगा तब मैं आपको इसका असेंबलिंग वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इसका असेंबल वीडियो और LED हेडलाइट का वीडियो, दोनों वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।